अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आरिफ शेख इस्लाम। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अवामी ज़िंदगी में हमें कुछ सहूलतों की ज़रूरत होती है। वो सहूलतें हैं महकमा पुलिस, सरकारी दवाखाने, पानी की सहूलतें, स्विमिंग पूल, इज्तिमाई पाखाने, थिएटर, बस और रेलवे वगैरह की सहूलतें। प्यारे बच्चों, अब हम मकामी हुकूमत और गांव की सहूलतों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हम गांव या शहर में रहते हैं, गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज़्यादा होती है। शहर में कारखाने होते हैं, बाज़ार होते हैं, जहाँ रोज़गार हासिल करने के मौके ज़्यादा होते हैं। अवामी सहूलतें शहरों में बड़े पैमाने पर मुहैया होती है। गांव हो या शहर, वहाँ का कारोबार वहीं के अदारे संभालते हैं। इन्हें मकामी हुकूमती अदारे कहा जाता है। गांव के इंतज़ाम ग्राम पंचायत संभालती है, शहरों के इंतज़ाम नगर पालिका संभालती है, बड़े शहरों के इंतज़ाम महानगर पालिका यानी कॉरपोरेशन संभालती है। बच्चों, इनमें से कौन सी मकामी हुकूमत तुम्हारे शहर या गांव में काम करती है? हाँ बच्चों, हर गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होती है। यकुम मही 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया। उस वक्त महाराष्ट्र में 21,636 ग्राम पंचायत थी। ये तादाद 2010 में 27,993 हो गई। ग्राम पंचायत के क़याम के लिए गांव के आबादी 500 तक होना ज़रूरी है। 500 से कम आबादी वाले 2-3 गांव की एक मुश्तरक ग्राम पंचायत बनाई जाती है।